दोस्तों यह है 2023 की लेटेस्ट हीरो स्प्लेंडर प्लस का कैनवास ब्लैक कलर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे इसकी 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको कितने का माइलेज देती है, इसकी टॉप स्पीड कितनी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिए, इन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बाइक रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे। दोस्तों कैनवास ब्लैक कलर आज अपने सामने खड़वा है। दोस्तों स्प्लेंडर प्लस के ऊपर ये कलर काफी अच्छा लगता है, मुझे तो पर्सनल फेवरेट ये कलर काफी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ इस बाइक की ऑन रोड प्राइस से। तो दोस्तों 88,300 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, वही पुरानी स्प्लेंडर जो आती थी फ्रंट से वही स्प्लेंडर आपको देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको हैलोजन लाइट का सेटअप मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिल जाती है स्टिकर के फॉर्म में। हैलोजन टर्न सिग्नल आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इस बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हो फ्रंट की हेडलाइट तभी ऑन होती है, कुछ इस तरीके से आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है। तो इसके टायर साइज़ की बात करते हो फ्रंट में आपको 1800x80 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। 130mm के ड्रम ब्रेक आपको इस बाइक के अंदर मिलता है। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम मिल जाता है जिससे इसके दोनों ब्रेक एक साथ काम करते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके टैंक के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलती है स्टिकर के फॉर्म में। नीचे की तरफ आपको टूल किट मिल जाती है, यहाँ पे आपको दोस्तों पावर स्टार्ट की बैजिंग मिलती है, FI प्रोग्राम की बैजिंग आपको इस बाइक के अंदर मिलती है। दोस्तों इसके इंजन की बात करूँ तो 97.2 cc का एयर कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है जो 8.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 7.91 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें आपको किक का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों स्प्लेंडर प्लस की आपको 3D में बैजिंग मिलती है, स्टिकर के फॉर्म में आपको i3S की ब्रांडिंग मिल जाती है। दोस्तों रियर में आपको हाइड्रोलिक्स 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, 1800x80 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों साइलेंसर के ऊपर आपको स्टील का कवर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसकी सीट हाइट की बात करूँ, दोस्तों अगर आपकी हाइट 5 feet 5 inches है तो आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हो, आपको इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कुछ इस तरीके की आपको सीट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। दोस्तों इसकी रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में आपको लगेज कैरियर मिल जाता है, यहाँ पे आप सामान वगैरह इजीली कैरी कर सकते हो। दोस्तों रियर में आपको हैलोजन टेड लाइट का सेटअप मिलता है, जो पुरानी स्प्लेंडर आती थी वही लाइट आपको देखने को मिलती है। हैलोजन टर्न सिग्नल आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस बाइक में आपको टोटल 4 speed गियरबॉक्स मिलते हैं। एंड दोस्तों इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो 85 km की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। दोस्तों इस बाइक में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है कुछ इस तरीके का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट मिल जाती है, ऑडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल की बैजिंग, पासिंग लाइट, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, i3S की टेक्नोलॉजी का बटन मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना दे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिलता है। दोस्तों ये था इस बाइक का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहे।